अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी सेकेंड ईयर की आर्ट्स फाइल के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। मैंने सोचा लोग पूछते हैं क्या करते थे वो इकोनॉमिक्स में फ़र्स्ट ईयर में, तो मैंने स्टार्ट दिखा दूँ। फर्स्ट हमारे पास जो था ना डिज़ाइनिंग का, और इसमें मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था करना क्या है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी अमीना, उसने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था कि एक डिज़ाइन लेना है तुमने, तो मैंने एक छोटा सा सिंपल सा फ्लावर बना दिया जो कि मेरी अम्मी बनाती थी अक्सर। फिर उससे हमने नेचुरल स्टाइलाइज्ड में उसको कन्वर्ट करना था, तो मैंने इस तरीके से उसको डिज़ाइन कर दिया अपने जहन से उस वक्त जो समझ आया मुझे। फिर उसके बाद जो है वो मैंने जब स्टाइलाइज डिज़ाइन बनाया तो उसमें भी मतलब काफ़ी मिस्टेक्स थी। ये सब हम लोग ने पेंट से किया था, 0 नंबर का पेंट ब्रश था उससे हमने किया ब्लैक पेंट से। फिर एब्स्ट्रैक्ट करना था उसका, तो हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट किया। दैन उसके बाद ज्योमेट्रिकल, उसी को ज्योमेट्रिकल करना था, तो ये सारा काफ़ी मुश्किल था एक बिगनर के लिए कि पेंट ब्रश से करना सबसे पहली बार में। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ाइनिंग थी, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट समझा कि अच्छा डिज़ाइनिंग तो कर ली हमने। उसकी एक दो तरह की होती हैं, स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव। एक नॉर्मल होती है और एक हम थ्योरी में सब पढ़ते थे इसकी डिटेल ना। थ्योरी का अलग होता था पीरियड हमारा, और जो प्रैक्टिकल था उसमें अलग होता था। तो यहाँ पे सब हम लोग अपनी फाइल को कंप्लीट करते थे अकॉर्डिंग टू टीचर्स गाइडेंस। तो यहाँ पे मैंने फ़्रॉक बनाया था, ये भी मैंने किसी अपनी फ्रेंड के ही आइडिया से बनाया था। उसने कहा था अच्छा कोई फ्रॉक सी बना लो, मैंने बना दिया। फिर एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, आप लोग देखेंगे मेरा काम बहुत ना रफ सा होता है, बहुत अजीब सा होता है। तो अभी देख के खुद ही हंसी आती है अपने काम को, पिछले पुराने काम को। लाइन था तो टाइटल पेज ऐसा अच्छा, 4-5 क्लास में टाइटल पेज बनाती थी तो इस वजह से थोड़ा सा आइडिया था, टाइटल पेज अच्छा सा ऐसा बना लेती हूँ। फिर हमने इस तरह से कुछ कर लिया मार्कर और पेंट की मदद से। पता नहीं मेरा जहन बिल्कुल आर्ट्स में ही चलता, मैं बहुत वीक हूँ आर्ट्स में। मतलब क्या कहूँ, ये देख के आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि स्ट्रेट बॉर्डर और कर्व बॉर्डर किस तरीके का है। अच्छा कुछ फोमिक शीट्स थी मेरे पास, जिससे मैंने सोचा चलो इसका टाइल पेज मैं कलर्स का कलर्स से बना लेती हूँ। तो ये काफ़ी मेरे लिए एक मुश्किल टास्क था, जो सोलर स्पेक्ट्रम है ना, ये काफ़ी मुश्किल से बनाया गया था। पता नहीं अभी भी याद आता है तो हंसी आ रही है। अच्छा कलर व्हील बनाने के लिए भी मैंने अपनी तरफ से कोई भी डिज़ाइन लिया, लड़कियों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। ये इसने मुझे बहुत रुलाया था, यानी कि इसमें शेड्स ही नहीं आके दे रहे थे, और जिसने ये काम किया उसको अच्छे से याद आ जाएगा क्या हाल होता था। और फिर मिस आतिका माशाल्लाह से परफेक्शन चाहती थी, बहुत अच्छा काम करवाती थी। देन हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी का टॉपिक था, जिसमें कलर थीम आ जाती है। कलर स्कीम में भी शेड्स का प्रॉब्लम आ रहा था, जो हमने पहले शेड्स सीखे थे उन्हीं शेड्स को यूज़ करना था, किस तरह से उसका ह्यू है, ये सारे मिस्टेक लगाए थे कि सही नहीं है ये है, मेरा कितना रफ सा काम होता था। तो बस यही होता था कर लेते थे, मगर हम सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री डबल कॉम्प्लीमेंट्री कुछ सही से करना है। बहुत सारे पेजेस मेरे खाली रहे, मैंने किया ही नहीं अंडा काम, और मेरा लास्ट पेज दिखाने के काबिल नहीं है। शायद मैंने यहाँ दिखाया हो आपने उसने क्या मुझे कमेंट्स किए थे। अच्छा कलर साइकोलॉजी, इसमें भी इसमें खैर इतना कुछ क्या कह लूँ उसको, देखने का नहीं, ये सारा लिखने का काम था कि येलो कलर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिंबोलिज्म और एसोसिएशंस किसके साथ होती है, रेड कलर है। फिर हमारे पास जो है ब्लू कलर के बारे में लिखा है, तो इसमें भी यही था कि मिस जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से वो कलर देख के पहचान लेती हूँ, तुमने जो है ना एक्वस ब्लू नहीं लिया, तुमने मेटैलिक ब्लू यूज़ किया, मतलब माशाल्लाह से हर चीज़ पता चल जाती है। जगह आप लोग लेट वर्क देखेंगे क्योंकि मुझसे आर्ट्स का काम नहीं होता, टेक्सटाइल में सिलाई कढ़ाई में सब कर लेती थी, मगर ये मेरी वीकनेस थी, ये भी कर लिया बस कैसा कैसा। लड़कियों ने दूसरी लड़कियों ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से इसको फ्रेम दे के काम किया था, मगर मैंने ऐसे किया था, ये काम मुझे लगता था मैंने सबसे खूबसूरत किया है। लेकिन अब देख लें आप लोग शायद उस वक्त यहाँ से अच्छा होगा, ये भी बहुत अच्छा था, मेरी कोशिश थी फ्रेम कर लूँ, लेकिन जाहिर है शुरुआत थी फर्स्ट ईयर था काम होना था। अच्छा सिमुलेटेड टेक्सचर, इसमें क्या था कि पहले तो मुझे समझ नहीं आया था करना क्या है, पेपर से करना क्या है, क्योंकि वो पेपर के बीच में पेंट लगा के इस तरह से कुछ मैंने वॉस बनाया, फिर बटरफ्लाई बनाने की कोशिश की थ्रेड से, फिर फॉर्म से हमें टेक्सचर लेना था, फिर ड्राई ब्रश से लेना था, सब कुछ बस ऐसा हुआ था एंड टाइम पर मुझे समझ आता था अच्छा ये करना है। तो बस यही था, स्प्रे से फिर कॉटन से यानी कि ब्रश से स्प्रे करके ना इफेक्ट देने होते थे, मेरी फ्रेंड्स ने काफ़ी मेरी हेल्प की।
ये मुझे अच्छा लगता था अपना नेचुरल आर्ट से मैंने बनाया। पिछले बार दीदी को थोड़ा अच्छा करके देने की कोशिश की थी, तो आप देख सकते हैं अच्छा बैलेंस मेरा उठता हुआ भी आप लोग मुआयना फरमाइए। तो बैलेंस में मैंने क्या चीज़ें की हैं, अगर हम बात करें फॉर्मल बैलेंस की, तो मुझे यही पता कि दोनों तरफ चीज़ें सेम होती हैं। तो अपने उस वक्त के जहन के हिसाब से मैंने ऐसी पेंटिंग की, इनफॉर्मल में मुझे पता था दोनों तरफ डिफरेंट चीज़ें रखी जाती हैं। मैंने उस टाइम का किया था, मैंने क्लासेज तो नहीं लेती थी थ्योरी की, तो कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं थे, बस इसी तरह का काम हो जाता था मेरा। टीरा मेरा एकदम होता था तो एकदम अजीब सा, तो बस अभी आप लोग एकदम देखेंगे कि मैंने किस तरीके से जो है ना तीन चेयर्स भी उसको रख दिया और बस ये एकदम हो गया मेरा। हाँ भाई रिपिटिशन हो रही है बस शेप्स की, तो समझ आता था उस हिसाब से बनाते थे, लेकिन काफ़ी मज़ा भी आता था अगर टाइम हो हमारे पास। तो बस अच्छा एक्सपीरियंस था, आप सब याद आते हैं और अपनी चीज़ें देखती हूँ। तो सेकेंड ईयर में और फिर बी एस में आगे काफ़ी निकल थी, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी किस तरीके से मेरी पेंटिंग बेहतर हुई, लेकिन किस तरह से बहुत अच्छी हो सकती है मेरा ध्यान में नहीं है इस तरह से आता। यूज़ ऑफ डेकोरेशन में मेरी ये डेकोरेशन थी, तो देखने वाला है वो समझ जाएगा मैं बनाने की कोशिश कर रही थी मैट और फिर बटरफ्लाइज वॉल के ऊपर जो है स्पेस अराउंड हो गया। अच्छा मुझे ये था मेरा काम अच्छा नीट एंड क्लीन भी ना हो, बस ऐसे ही करके दे रही थी। आर्ट का काम बिल्कुल बेदिली से करती थी अपना हेडिंग के साथ, और ये पेंट वगैरह बिखरा हुआ तो ये अंदाज़ा हो सकता है कि मैं दिल से नहीं करती थी। कभी टेक्सटाइल करना चाहूँगी तो बहुत प्यारा सा मेरा फाइल है, उसमें मैंने इतने स्टिकर्स लगाए अच्छा सजा सजा के उसको देती थी, तो बस उसमें फिर ग्रेड भी अच्छे आते थे कि जैसे कि काम बहुत सही थे उसको कुछ देती थी, उसमें दिल से इंसान काम करेगा तो होता था। ये सारे काम बस कॉपी पेस्ट होते थे मेरे, अच्छा हार्ड नहीं किया कर लो उनका काम कर लेते थे हम। थोड़ी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो हमें नहीं आती होती, लेकिन बाद में फिर हम लेकिन उन चीज़ों में भी ना कोई चीज़ अपने लिए चूज़ कर लेनी चाहिए, इस चीज़ में तो अच्छी है ना। अभी देखिएगा लास्ट में आपको कुछ अपनी अच्छी सी क्रिएटिविटी दिखाऊंगी जो मैंने अकेले घर में थी उसको मैंने किया था किसी की हेल्प के बगैर, उसमें मैंने राइट कर दिया। अब वो टॉपिक क्या था उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी वीडियो पूरी, लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। हमारा इस फाइल का लास्ट पार्ट था, तो अभी तक हम पहुँचे हैं तो पोर्शन तक आपको दे रहे हैं साथ साथ में पहुँचने के लिए। तो पोर्शन में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी कि किस तरीके से अच्छा कार्ड वगैरह जो बनते हैं ना उस पर तो पोर्शन काफ़ी दिखा था, तो मैंने समझाया तो कार्ड भी बनाया, ये बस ऐसे ही है हमारी गलतियाँ कुछ। कार्ड मेरे हिसाब से उस वक्त बेस्ट कार्ड था, थोड़ा सा ग्लिटर ग्लिटर अंदर का इसके बाद ये जो बेस्ट है ना, तो ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, मैंने इसको बड़े इंटरेस्ट से बनाया था। हेडिंग देख के अंदाजा कर लें कि हमने खुद टाइम ग्रीन सेंट्रल नॉटिंग से बन रहा है, सेंट्रल में नॉट लगा के इसमें जो है वो तीनों तरफ हमने सिलाई करके मतलब जो होता है ना रबर बैंड करके सॉरी रबर बैंड मैथड है, यहाँ पर रबर बैंड लगा के किया था। इधर क्या था रबर बैंड को इररेगुलर पहले टाई करते हैं अपने हिसाब से जो इफेक्ट देना चाहते हैं, तो जो हम उसको टाई करते हैं तो उसका इफेक्ट देखने वाला होता है, इफेक्ट का स्पायरल जो स्पायरल जैसे पूरा स्पायरल फॉर्म हम चेंज करके उसको खींच के फिर टाई करते हैं। ये कर्टन मेथड है, ये भी बहुत प्यारा मेथड था, हमारी जो सीनियर है हमारी सीनियर टीचिंग की थी तो उन्होंने टीचर ने दोबारा स्टिक के ज़रिए और स्विंग के ज़रिए रबर बैंड के ज़रिए मतलब बहुत सारी चीज़ें स्टिक वगैरह हमने यूज़ की, जैसे स्टिक लिखा हुआ है
और वो जो कपड़ा टांगने वाली जो क्लिप होती है उससे भी किया था, फोल्डिंग करके किया था, टू फोल्ड मेथड है ना, इस तरीके से हमने चीज़ें की थी। जिसकी मैं बात कर रही थी ना, कपड़ा टांगने वाली जो हमारे पास क्लिप्स होती हैं लकड़ी की, उससे हमने किया था ये पैच प्लीटिंग मेथड। और टाइट सर्कल में हमने, नाम से पता चल रहा है कि सर्कुलर शेप में हमने उसको टाई करके इसको डाई किया था। फिर ये रोजेट मेथड, ये भी बहुत प्यारा मेथड था, मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसका कलर कुछ इतना अच्छा नहीं आया, मैंने शायद सेम कलर ले लिए थे। और ये वाला बहुत प्यारा है, इसमें बीड्स लगा लो या कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट लगा के ना, इतने प्यारे प्यारे से जो है वो आ जाते हैं। लेकिन मिस ने कहा बहुत ज़्यादा आपने टाइट कर दिए थे, तो ये अच्छा मेथड आया था मेरा, स्ट्रेट नॉटिंग मेथड, बस इसमें बीच में एक नॉट लगानी थी। यहाँ पर फाइल ख़त्म होती है, अब आपने मुझे बताना है कैसी लगी आपको। थैंक यू।